एक हाथ में पकड़ी थी मोबाइल ना, तो इसकी वजह से ज़्यादा हिल रहा था। रखने के लिए ना जगह नहीं हो रही थी ट्राईपोड, तो इसकी वजह से एक हाथ में ही ली थी। पहले बेल ली थी, फिर उसके बाद में ना सेकने के लिए पराठा तवा में डाल के सेक रही थी। मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। सुबह के टाइम का तो नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाने के बाद में हाँ उस दिन एक बारिश तो बहुत हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद में फिर ये भुर्जी के लिए, अंडा के लिए भुर्जी बना रही थी। तो उसके लिए ना 3 कांदा ली थी, 1 टमाटर ली थी और 6-7 हरी मिर्ची ली थी। उसमें आटा गूंदी थी ना, तो रोटी जब बन गई थी, पराठा बना ली थी, तो मैं बोली इसमें ये छिलका डाल देती हूँ। फिर उसके बाद में वो की थी, तो ये भुर्जी भी बना ली थी। कोई ट्राईपोड नहीं पकड़े थे ट्राईपोड, लेकिन उल्टा वीडियो बना दिए थे, तो फिर इसकी वजह से मैं उसको नहीं डाली, उसको डिलीट कर दी थी। खाली ये दिखाई थी, भुर्जी बन गई थी। भुर्जी उर्जी बनाने के बाद में नाश्ता वाश्ता करके, दोपहर का सब काम वाम करने के बाद में फिर ये शाम को बनाई थी। चने की दाल थी, लौकी डाल के बनाई थी। तो ये लौकी ली थी और चने की दाल थी 1 कटोरी, हरी मिर्ची, लहसुन, कांदा था 1 कटोरी बनाई थी। तो इसके लिए 3 गिलास पानी डाली थी। पानी जब गर्म हो गया था तो फिर उसमें ना 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल दी थी, और 1.5 छोटी चम्मच है ना जीरा के डाल दी थी। हल्दी डाल दी थी, हल्दी की क्लिप कट गई है शायद, ये जीरा डाली थी। और फिर दाल धुल के ना, दाल को मैं पहले 3 बार धुल के रख दी थी 10 मिनट के लिए पानी में। फिर उसका पानी फेंक के, फिर जब ये खोलने लगा था पानी, तो उसमें ये दाल डाल के फिर उसको है ना 3-4 सीटी ले ली थी। डाली थी थोड़ा, आधे का आधा डाली थी कांदा, और ये दाल थी। दाल एकदम फूल गई थी, चने की दाल थी, तो वही डाली थी उसको, इसमें सीटी लगा ली थी। वीडियो सिलो चल रही है, मेरी वॉइस ओवर थोड़ी तेज चल रही है। मसाला डाल दी थी, ये देख रही थी पकी कि नहीं। एक थोड़ी कच्ची रह गई थी एक कनी दाल की, तो फिर उसमें ये ना हरी मिर्ची पीसी थी, जो हरी मिर्ची, ये टमाटर 2 काटी थी, 1 छोटा लग रहा था तो इसकी वजह से 2 काट ली थी। फिर एक और उसका नहीं दिखाई थी। फिर इसमें सौंफ और हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक डाल करने का सब डाल देते हैं, तो डाल दी थी सब धुल के। फिर 2 सीटी ले ली थी। 2 सीटी लेने के बाद में ना दाल को घोट ली थी। जब दाल घुट गई थी तो फिर लौकी डाल के फिर उसको 1 सीटी लगा ली थी। लौकी भी गल गई थी एकदम। और दाल अपने हिसाब से रखना, गाढ़ी या पतली जैसे रखने का है। तो फिर मैं घोट ये दाल को है ना घोटना लगा रही थी। दाल घुट गई थी, ये देखो ये। तब इसमें लौकी डाल दी थी और थोड़ा से पानी डाल के इसको सीटी लगा ली थी। 1 सीटी लगा के बंद कर दी थी। जब ये लौकी है ना, मैं बोली गैस थोड़ी निकल जाए, फिर उसके बाद में खोलती हूँ कुकर का ढक्कन। तो फिर उसके बाद में खोल के देखी थी तो दाल एकदम गल गई थी। लौकी एकदम गल गई थी। जब लौकी एकदम गल गई थी तो फिर उसको है ना ये देखो बघार लगा दी थी। लौकी एकदम पक गई थी। इसमें कांदा जोन काटी थी ना, तो वो कांदा और 2 चम्मच तेल डाली थी। 2 चम्मच तेल डालने के बाद में वहाँ पे चम्मच और कलछुली रखी थी ना चावल का, तो उसको एक गिर रहा था, बोली उसको बराबर करके रख देती हूँ, तो वो सरक जा रहा था बार बार ये। और ये मेरी वीडियो बकरीद के पहले की है। मैं बकरीद में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, काम ज़्यादा था,
तबीयत भी नहीं सही थी, पेट में दर्द था, तो इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई थी कोई वीडियो वीडियो ये जो पहले की थी। तो मैं बोली ला डाल देती हूँ, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाली हूँ। इसमें 2 चम्मच तेल डाली थी, तेल हो गया था जब, तो फिर कांदा डाल दी थी। जब कांदा हो गया था तो फिर इसमें आधा छोटी 1 चम्मच है ना जीरा डाल दी थी। और 3 लाल सूखी मिर्ची डाल दी थी और कड़ी पत्ता 8-9 डाल दी थी, कड़ी पत्ता भी। और आज लोग चले गए थे अपने अपने घर सब, वही अभी अम्मी के पास फोन आया है। ये कड़ी पत्ता डाली थी, कड़ी पत्ता का बघार लगा दी थी जब हो गया था, तो फिर इसको उतार के ना कुकर को इस तरफ रख ली थी। कुकर को जब इस तरफ रखने के बाद में बघार उसमें डाल दी थी। बघार डालने के बाद में ये एक हाथ में पकड़ी थी उसको, एक हाथ पे उसको, ये दाल हो गई थी अपनी तैयार। तो